अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज वीडियो हम लेकर आए हैं भाई, उसकी सजेशन हम लोगों को काफी ज्यादा इसलिए मिल रही है क्योंकि शाहरुख खान सर को 30 साल हो गए हैं इंडस्ट्री में और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आई थिंक कोई वीडियो बनाई गई है। और वीडियो क्या बताएंगे, टाइटल है 3 decades ऑफ SRK ट्रिब्यूट टू द लेजेंड ऑफ द इंडियन सिनेमा 2022 SRK स्क्वाड। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो कर इनके चैनल को, उसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर कर फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। बॉलीवुड 70mm की दुनिया में आना और आकर छाना बहुत मुश्किल है। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा के का डेथ का वो दशक था। थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी। हम साउथ इंडियन फिल्म्स का रीमेक कर रहे थे तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का रहा पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इंडियाज फेवरेट स्टार, an unstoppable living legend and one of the finest and fascinating actors India's ever seen. He believes in a prayer that says Nasrun min Allah Wafa Kabul Kareem, which is a prayer that simply says God keep victory close, and God knows nobody owns victory like he does. Actually itne saalon mein maine jo bhi kiya hai usme mera kuch bhi nahi, kyunki main jo bhi jahan bhi hoon jis maqam pe bhi apne fans ki wajah se, agar mere fans nahi तो मैं कुछ भी। I am from Delhi. मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? उन्होंने कभी ऐसा बोला नहीं, लेकिन उनको बातें बोलते थे, काम करो और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते। आई रिमेम्बर उन्हें कैंसर था तो वो ठीक हो गए ऐसा कहा गया, मुझे मालूम नहीं पड़ा। माई मदर वोक मी अप एंड शी सेड पापा इन द हॉस्पिटल, उनके पैर मैंने देखे और वो बहुत ठंडे थे जब मैंने उसे हाथ लगाया। And he had passed away. 15 साल की उम्र था जब उनकी फौत हो गई। प्ले चल रहा है लेडी श्रीराम कॉलेज में। मैं आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैठता हूँ, बैरी जॉन वहाँ पे टीच कर रहा हूँ। तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया, वो फौजी सीरियल आया, वो पॉपुलर हो गया। तो मैं फिल्मों में इंटरेस्टेड था ही नहीं बिल्कुल, तो मैंने करना ही नहीं चाहा। उसके बाद एक और सीरियल वो दिल दरिया किया मैंने, उम्मीद वो किया और सर्कस के। वो 4-5 साल तो उसी सदमे में निकल गए कि फादर की डेथ हो गई। माँ थी बिल्कुल हेल्दी थी, बट सडनली एक दिन रात को उनको ऐसा कुछ दर्द हुआ पैर में और गए, उन्होंने कहा डायबिटीज है, और देखते देखते 1.5 महीने में उनकी भी डेथ हो गई। आई कम फ्रॉम अ वेरी नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली। आई सॉ अ लॉट ऑफ फेलियर एट एन अर्ली एज आफ्टर माय पेरेंट्स डाइड। आई इक्वेटेड पॉवर्टी विद फेलियर। आई जस्ट डिडंट वांट टू बी पुअर। सो व्हेन आई गॉट अ चांस टू एक्ट इन फिल्म्स, इट वाजंट आउट ऑफ एनी क्रिएटिव डिजायर, आई से दिस ऑनेस्टली, इट वाज प्योरली आउट ऑफ द फियर ऑफ फेलियर एंड पॉवर्टी। ये बता तू बंबई क्यों जा रहा है? किसी की तलाश में। किसकी? कामयाबी की। When I came to Mumbai to work, I had lost everything in my life. No place to live. मुझे किराए का घर लेना पड़ा, मेरे पास पैसे नहीं थे। So I remember Rajiv called me and gave me money for my किराया of my house. और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर। मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। चल बाबा जा, इस बुलबुलाया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ, एक दिन अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा, लगा था मैं नेगेटिव रोल करता। मैं तुम्हें आजाद कर रहा, मुझे माफ कर देना। अगर नाम लूंगा तो वो आई लव यू, बदनाम हो जाएगी। मैं कभी नहीं हारता शिवानी। बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल जीतने के बाद सुपरस्टार्स की दौड़ में सबको पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले शाहरुख। मिस्टर शाहरुख खान, फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग एन अवार्ड, हमेशा रिवॉर्ड इन फिल्म इंडस्ट्री, दिस वन फॉर यू भाई। वो दिल्ली से आया है, उसने टीवी किया है और टीवी करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा है। बहुत सारे इनके शाहरुख खान, इन्होंने जो मॉल बनाया है उसमें हम अपनी छोटी दुकान चला रहे हैं। स्टैंडिंग ऑन मरीन ड्राइव एंड ही सेड यू नो वन डे आई एम गोइंग टू रूल द सिटी, ही सेड या 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 अंदाज़ से मेरा सब तजुर्बा, मैं बादशाह ना बादशाह, सपने सजाना सपना हंसाना बस यही।
Is your competition also younger actors like Ranveer, Imran? I've not come here to compete. I've come here to rule. मैं हमेशा बोलती हूँ कि और किसी के साथ रोमांस नहीं कर सकते जैसे शाहरुख रोमांस करता है. मतलब उनका नाम ही रोमांस है. मोहब्बत, प्यार, दोस्ती है. मुझे सबसे ज्यादा पसंद तुम्हारी ही आंखें. मैं यहाँ तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा तभी जब तुम्हारे बाबूजी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगे. जरूरत पड़ने पर एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं, हजार बार मैं उस आग में कूद जाऊंगा जिसमें शांति. आई ऐसी रात है जो बहुत खुशनसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है. हेरे नैना तेरे नैना, हेरे नैना, हेरे नैना तेरे नैना, हेरे नैना. जारा से कितनी मोहब्बत करते. I love you very, very much. बाबूजी ने कहा, जब ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब. एक दिन आएगा जब वो कहा माय ओनली बेस्ट फ्रेंड. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता, इंडिया. मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करता हूँ, मरते दम तक प्यार करता हूँ. उसके बाद उनके स्वभाव में, उनके काम करने के तरीके में एक बहुत ही सहूलियत है. एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार हैं वो. I love this. The most hardworking human being. Forget an actor or a hero. I think Shahrukh's energy is what is his most appealing quality. My reason of becoming an actor. यहाँ पे तो शाहरुख खान is my favorite. My inspiration. हम जैसे इंसान जो कोई सिनेमा से मतलब नहीं है, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर शाहरुख खान, उसने उस जगह पे खड़े होकर दिखाया. I work so hard that I make sure that all of you get some smiles when you see my film. ये आज की बात नहीं शाहरुख, 22 साल पहले जब आपकी अदालत में आए थे तो मुझे ध्यान है उस समय आपने कहा था कि व्हाट इज बेटर इज टू से दैट यू आर द बेस्ट, नॉट बॉदर अबाउट अदर्स. मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता. आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया हैं, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूं. अभी भी आप मानते हैं कि अगर सबसे बड़ा है तो वो शाहरुख खान है? Yeah, I'm a fan of Shahrukh. He's an excellent, excellent actor. Through his film work, he is known now as a global icon. Giant movie star. Perhaps the world's biggest movie star. Mega, mega global superstar. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. The world's biggest movie star. One of the world's biggest movie star. Some people would say he is the biggest movie star in the world. The most popular movie film star in the world. Hollywood legend. Iconic people such as Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Shahrukh Khan. Go to the movies and applaud actors like Shahrukh Khan. तो दुनिया मानती है मैं. SRK's worst movie. Shahrukh Khan has been going through a rough patch in his career for the past couple of years, with his films failing to create magic at the box office. पहले जैसे अब शाहरुख खान अब बात नहीं हो रही. एज के साथ उनको भी रुक जाना चाहिए, हो गया उनका टाइम. एज आ गई है, कंफर्ट हो रहा है. सबका टाइम होता है, तो शाहरुख खान का टाइम भी अब खत्म हो चुका है. Whether the actor is taking a back seat, whether he will return, and more importantly, can he ever get back into his original groove like the mid-2000s? घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं. The Bachcha Bollywood was spotted at Yash Raj Studios. 3 सालों से शाहरुख खान खामोश रहे. इस खामोशी को काफी लोगों ने उनकी कमजोरी समझ लिया था. If you throw me to the wolves, I'll come back even better. मालूम है कब से कह रहा हूँ, आ रहा हूँ.
Aaram. And there was a lot of negativity. Some of the critics were very personal about my midlife crisis. I will do stuff which I want to, and I will do it all my life. And if you guys have a problem, I just want to tell them, go to hell. जल्दी मिलते हैं पठान से। रेडी डोंकी डोंकी नहीं शाहरुख डंकी। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, आपसे ज्यादा कामयाब होगा? ऐसा होगा ना? I'll tell you honestly. हाँ, ऐसा बोल दो। बोलो ना। I'm the last of the stars. You're the last of the stars. आपने मन्नत को हकीकत बनाना सिखाया है। आपने लोगों को सपने पूरा करना सिखाया है। प्यार का मतलब दुनिया को समझाया है। बॉलीवुड कई लोगों की पहचान है। आपने दुनिया में बॉलीवुड की पहचान बनकर दिखाया है। आप रेत पर लिखा नाम नहीं जिसे लहरें मिटा दें, आप वो नाम है जो दिल में छपा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। इस दुनिया में आप जैसा दूसरा किंग कभी नहीं आ सकता। भाई शाहरुख खान सर की बात करें तो एक बहुत लंबे अरसे से हम भी उन्हें देखते आ रहे, खासतौर पर जो हमने बचपन में उनकी फिल्में देखी हुई हैं। अभी बीच में थोड़ी थोड़ी झलकियां भी उसकी दिखाई गई थी, तो आप देखे ना उनकी मूवी कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, आपको एक वो टाइम याद आता है जो बहुत अच्छा था। खासतौर पर अगर आप उनकी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम, हम आपके हैं कौन, सॉरी हम आपके हैं उनकी नहीं, सॉरी वीर ज़ारा, कल हो ना हो, ये मूवीज आप उनकी देखे ना तो आप जो है ना वाकई में थोड़े अरसे के लिए उन मूवीज में स्टक हो जाते हैं। मुझे लगता है ये मूवीज नहीं है, इमोशंस हैं। सही बात है। आप उसके म्यूजिक में, मुझे नहीं लगता कि हम लोग जितने भी मतलब मूवीज देखते हैं शाहरुख खान सर की और जो वीडियोस मतलब जिस तरीके से सामने उनकी आती है, तो हमें से कोई नॉस्टैल्जिक नहीं होता हो। लिटरली बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ पर गानों को सुनकर आई वॉज लाइक के मतलब मेरा खुद पे ना वो एक होता है ना कंट्रोल नहीं हो रहा था, लाइक कि आप उस टाइम में वापस जा रहे थे, आपको आप रिलैक्स फील करते हो कहीं ना कहीं पर, यू नो आपके दिमाग को अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आपको ऐसा होता है कि आपको ना जो अभी पता नहीं ये मैं भी बहुत सारे लोगों स्टुपिड भी लगेगी मेरी बात, लेकिन आई थिंक आपको एक कुछ चीज़ों को याद करना चाहिए और उसको याद करके क्या होता है कि आप अपने आप को, मुझे लगता है कि यू नो रिफ्रेश करते हो, अपने अंदर को रिफ्रेश करते हो, अपने माइंड को रिफ्रेश करते हो। मतलब ये मेरे साथ ऐसा होता है, जैसे कि मैं गानों को सुनती हूँ और मैं अगर इमोशनल हो जाती हूँ या मैं कहीं किसी और दुनिया में चली जाती हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा होता है कि मैं अपने दिमाग को कहीं ना कहीं पर कनेक्ट कर पा रही हूँ उन सब लोगों से, उन सब चीज़ों से, क्योंकि इतनी एक तो ज़िंदगी आपकी बदल गई हुई है, इतना एक चेंज आ गया हुआ है। मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें इतनी पीछे छूट चुकी होती है ना कि अगर आप उनको पकड़ के नहीं रखेंगे ना अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को। यार मैं यहाँ पे कल का अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल मैं फेसबुक जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा था, तो उसमें जो है कभी खुशी कभी गम मूवी का जो है ना एक सीन आ गया, एंड वाला सीन जहाँ पर जो है जो एंड में मिलन होता है सारों का, तो वहाँ पे जो है ना पीछे लता जी का जो है गाना सा स्टार्ट हो जाता कभी खुशी कभी गम, तो एक वो जो फील्स होती है ना, यानी कि जो इमोशंस उस टाइम पे थे, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर कहीं वो यादें जो हैं आपके जहन में जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। मैं वैसे 92s यानी 90s के एरा में जो एक्टर्स जितने भी आए, मैं उन्हें कहूँगा कि वो इस लिहाज से लकी हैं कि भाई उन्होंने उन लोगों के साथ भी काम किया जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद हर एक्टर, हर सिंगर जो है या हर डायरेक्टर, जितने भी लोग होते हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। अगर अब की मूवीज़ की बात करें, अब की मूवीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि टॉपिक्स उनके बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें वो सादगी नहीं रही। लेकिन अगर हम पहले की मूवीज़ की बात करें, अर्ली 2000 की 90s की मूवीज़ की बात करें, बहुत सिंपल सी बहुत मजे की मूवीज होती थी, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है ना, पूरी मूवी आप देखें, आप जब भी देखें ना आपको बहुत मजा आता है। हालांकि उसमें
इतने सारे करेक्टर्स हैं, सबको देखने का बहुत मजा आता है उस मूवी में जो है ना। एक तो अनुपम खेर सर जो हैं वो भी मेरे बहुत फेवरेट है उस मूवी में, उनका जो एक रोल है। फिर उसमें जो है दूसरी साइड पे जो अमरीश पुरी सर हैं, मैं कहता हूँ भाई माइंड ब्लोइंग है। मैं कहता हूँ ये लोग जो है ना ये दोबारा वापस नहीं आ सकते ना। वो कहते हैं मेरे एक जहाँ पे मैं जॉब करता था वो कहते थे भाई हर बंदा रिप्लेसेबल होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। और व्हाट आई लाइक अबाउट एसआरके, तो वो मतलब जो मुझे उनमें सबसे ज्यादा पसंद है, लाइक ही इज वेरी हम्बल, मुझे वो उनकी पर्सनालिटी में नजर आता है। अभी देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही है, ठीक है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हुआ कि लाइक वो बड़ा एरोगेंट होकर बात कर रहे हैं, या जिस तरीके से वो अपने आप को एक स्टार समझते हैं, किंग समझते हैं, या वो जैसे बीच में उन्होंने डायलॉग बोले कि मैं कम्पीट करने नहीं आया, मैं रूल करने आया हूँ। तो लाइक वो जो कॉन्फिडेंस है, और जितने मैं कहती हूँ कि हम्बल होकर बात करते हैं ना, कभी एरोगेंस नजर नहीं आता। और मुझे ना उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। मैं शुरू से ऑब्जर्व किया है कि जो उनके मतलब हमेशा जो मतलब एक होता है ना हाथ आपके, मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने में। हाँ। कि आप यू नो किस तरह के पर्सन है, तो मुझे जब वेव करते हैं तो बहुत आपको नजर आता है कि उनकी पर्सनालिटी में एक यू नो कि लाइक ही इज अ हम्बल पर्सन। और उसके साथ साथ मैं कहूँगी कि जो उन्होंने अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल देखी है, मुझे अच्छे से याद है कि जब उनकी फर्स्ट मूवी आई थी, मतलब हाँ मेरी बड़ी बहनें हैं वो हमें बताया करती थी उस टाइम पे, क्योंकि भाई हम लोग तो छोटे हुआ करते थे, तो मतलब काफी टाइम के बाद ये चीज डिस्कस हुई कि पहली मूवी में उनको ऐसा आके पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये कैसा एक्टर है, अच्छा ही नहीं लग रहा ये तो इस तरह से, ठीक है। और हालांकि उन्होंने बोला भी कि वो जब किसी डायरेक्टर से मिले तो किस तरीके से उन्होंने भी उनके साथ बात की, जो कॉम्प्लीमेंट उन्होंने किया उनको, वैसे मैं तो कॉम्प्लीमेंट ही कहूंगी क्योंकि उनके लिए वो काफी चीज जो है वो पॉजिटिव रह गई, क्योंकि एक करियर बन गया। लेकिन हाँ मैं ये बात जरूर कहूंगी कि उन्होंने अपनी एक्टिंग से और जो उस मूवी की स्टोरी थी, जो सॉन्ग से, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद ही कहीं पर ब्रेक लगी हो। यार मैं अगर उनकी जो मुझे स्टार्टिंग की दो जो दो मूवीज में भी जिक्र किया है जिसमें उन्होंने विलेन का रोल जो है किया, उसमें सबसे पहले मैं बाजीगर की बात करना चाहूंगा। बाजीगर जो है वो एक, चले मूवी अगर आपको नहीं पसंद आती लेकिन उसके गाने मैं कहता हूँ वो आप एवरग्रीन उसके गाने हैं। बाजीगर की स्टोरी बहुत पसंद नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि कई लोग अगर नहीं आपको स्टोरी पसंद आती तो उसके गाने बहुत मजे के हैं, आप उसके गानों को एंजॉय करते हैं। वैसे नो डाउट मैंने वो मूवी जो है कोसों बार देखी है, मुझे उसके सारे सीन याद है, लेकिन जो है गानों की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर बात आते हैं वो डर मूवी है, तू है मेरी किरण, उसमें अगर बात करें तो मेरा ख्याल है जूही चावला और जो साथ में सनी देओल है वो अपने करियर के पीक पे थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम अगर उनकी बीच में एक्टिंग देखे तो वो वाकई बहुत अच्छी, शाहरुख खान सर की किरण वाली बात की जाए तो बहुत हिट हुआ था। और अभी सुनो ना तो आपको अजीब लगता है, लेकिन उस टाइम लोग और इसका गाना जो एक जादू तेरी नजर वो भी बहुत, आई लव दिस सॉन्ग, मेरी बहन बहुत सुना करती थी, जो सबसे बड़ी बहन है उसकी ट्यून भी बहुत अच्छी है यार, क्योंकि वो ना कैसेट्स वगैरह खरीदा करती थी उस टाइम पर ना, तो मुझे इसलिए याद है क्योंकि हमारे घर में वो जो डेक हुआ करता था ना उसके अंदर वो लगाकर टेप में मजा आता था यार। वैसे वो टाइम वाकई बहुत अच्छे थे। अच्छा वैसे देखे उस जमाने में सिंगर्स की भी आवाजें जो होती थी वो भी कितनी फाइन, वैसे आज भी भाई बहुत अच्छी आवाजें हैं, लेकिन वो आवाजें भाई फ्रेश एवरग्रीन है। वो ऐसे गाने हैं कि अभी भी आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो ना, आप सुन रहे हो, आपको बहुत मजा आता है। कह लें कि पुराने गाने जो ना वो लॉन्ग रूट के लिए बड़े बेस्ट होते हैं। बच्चों से पूछना चाहूंगी, अभी बैठे बैठे मेरे जहन में ये बात आई है कि जैसे हम लोग पुराने गाने सुनते हैं तो हम उनके साथ एक कनेक्ट फील करते हैं अपने आप को, तो क्या आजकल के बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो पुराने गानों से कनेक्ट करते हैं? मेरा ख्याल है कि वो जो इस टाइम के गाने ना जो वो अपने बचपन में सुन रहे हैं वो उससे कनेक्शन जो है फील करेंगे। मैं इसकी एग्जाम्पल ये दे सकता हूँ कि अगर हम है ना हमारे बड़ों ने अगर कोई गाने जो है सुने हो रेडियो पे हमारे बचपन में लगाए हो तो हम उन गानों को कभी सुनेंगे ना हम नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, हम कहीं ना कहीं उस गाने से कनेक्शन फील करेंगे। वैसे शाहरुख खान सर की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी, ही इज रियली अ सेल्फ मेड पर्सन। मतलब बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, ठीक है, जिनको चांस भी मिलते हैं, लेकिन एक जिस तरीके से उनकी एक स्टोरी हम लोगों ने सुनी और बहुत सारे लोग हमें से जानते भी हैं, मैं कहूंगी कि वाकई में मतलब उनके जैसा शायद ही कोई दोबारा आ सकता है। जो इमोशंस वो
लेकर आते हैं लोगों में, और जिस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं, वो हंसते हैं तो हम लोग हंसते हैं, वो रोते हैं तो हम लोग रोना शुरू हो जाते हैं. तो मुझे लगता है कि ये एक एक्टर जो है ना, उसकी क्वालिटी होती है कि वो किस तरीके से अपने ऑडियंस को यू नो एक मैजिशियन की तरह हैंडल करता है कि भाई जैसा मैं चाहूंगा वैसे तुम लोग एक्ट करना शुरू हो यार. सबसे बड़ी बात है कि अपने कलाकारों को जो है याद रखना. मुझे इंडियन सिनेमा की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो अपने कलाकारों को जो है याद रखता है. मैं डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल देखता हूँ जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनका हमें पता ही नहीं होता, उनको जो है ट्रिब्यूट दिया जाता है, उनके बारे में जो है याद रखा जाता है. शाहरुख खान सर की मैं एक बात करूँगी, इन्होंने इतनी मूवीज में जो है काम किया, इतने इमोशंस लोगों को दिए हैं कि भाई आप जो है ना ये बाकी में जो है ना वो तायुन को क्या कह सकते हैं, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है. हाँ, आप डिसाइड नहीं कर सकते इस चीज को. ओके, बट आई डोंट नो व्हाई पीपल डिडंट लाइक जीरो मूवी, क्योंकि वो मुझे तो पसंद आई थी और उसके गाने भी मुझे अच्छे लगे थे और स्टोरी भी मुझे डिफरेंट लगी थी. बट आप लोग जरूर बताइए कि आप में से किसी को अगर अच्छी मूवी नहीं लगी वो तो क्यों नहीं लगी, मतलब रीजन क्या थी कि उसमें क्या पसंद नहीं आया आपको. और बाकी ये कि अभी हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाली जो मूवीज हैं वो हम लोगों को शाहरुख खान सर की मजे की मिले, मतलब मजेदार सी मिले, मतलब अच्छे स्क्रिप्ट वाली मिले. वैसे उम्मीद तो यही की जा रही है कि जैसे हम लोगों ने जवान का भी एक लुक देखी थी, उसमें भी वो बहुत अच्छे लग रहे थे. अच्छे लग रहे थे कि मतलब कि इंटरेस्टिंग एक हम लोगों को लुक लग रही थी. फिर उसके बाद हमने जो है ब्रह्मास्त्र में भी इनकी एक लुक देखी है. बट अभी मैं सुन रही हूँ कि इतना श्योर नहीं है कि ये है या नहीं है. हाँ, पता नहीं, कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने, लेकिन पठान के लिए एक बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है. और बाकी ये कि जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, मैंने हमेशा उनके मुंह से यही बात सुनी है कि वो शाहरुख खान सर को पसंद करते हैं और वो उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, उनसे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि जो उनकी एक जर्नी रही है उससे. अच्छा, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि पूरी दुनिया में उनको, मतलब वो जो फॉरनर्स हैं जिनको नहीं भी समझ आती, वो लोग भी शाहरुख खान सर के फैन है. अरे, अमेरिका का प्रेसिडेंट उनको शाहरुख खान का पता है यार. ये मजे की बात है कि लाइक इतनी फेमस पर्सनालिटी है वो. लेकिन जाने से पहले आप जरूर बताइएगा कि आपको एसआरके की सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है, क्योंकि 30 साल भाई इंडस्ट्री में रहना और इतना नाम कमाना कोई छोटी बात नहीं है और ये एक बहुत बड़ी जर्नी है. मैं बताऊं, हाँ? मुझे सबसे वैसे जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट, जिसे मैं कह सकता हूँ, वीर सारा. ओके, मैंने मौजूद से इसलिए पूछा क्योंकि मैंने मौजूद हमेशा बोलता है, मेरे से भूल लेती फिर बता. मैं तो खुद ही बता देता हूँ, वीर सारा मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज में से एक है. बहुत सारी मूवीज हैं फेवरेट, मैं एक का नाम नहीं लूंगी क्योंकि बहुत सारी मूवीज के डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स हैं, सॉन्ग्स हैं जो मुझे बहुत पसंद. लेकिन गानों की आप बात कर रहे हैं ना, गानों की बात करें, गाने नहीं मैं सिलेक्ट कर सकता क्योंकि उनकी मूवीज में जो है ना कि हर मूवी में कोई ना कोई एक गाना ऐसा होता है जो आपके दिल के बहुत करीब रह जाता है. बिल्कुल ऐसा होता है. सो गाइस, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर, गुड बाय.